हाँ जी, वेलकम टू अन अकेडमी, वेलकम टू आर चैनल नॉलेज 365 पे सबको स्वागत करता हूँ। और आज का सेशन है केमिस्ट्री स्पेशल क्विज है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जो बच्चे आते हैं सेशन में ज्वाइन कर लीजिए, जो न्यू हैं वो भी ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आई एम रजत पारेख, जनरल साइंस मेंटोर। आई एम अ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। आई गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड आई क्रैक सम एग्जाम्स लाइक एसएससी सीपीयू, रेलवेज एएलपी एंड एसबीआई क्लर्क प्री। What you will get in an academy is daily life classes आपकी चलती हैं, हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ में आपका लाइव एंगेजमेंट होता है। क्लास के दौरान जो क्वेरीज होती हैं जनरेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव पोल चलता है और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस अवेलेबल रहते हैं एवरी टाइम फॉर एवरी चैप्टर एंड फॉर एवरी परफेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, चाहे बैंक की, सब तरह की जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपका कराता है अकेडमी। और आपका स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन होती है, यानी सारा का सारा कोर्स जो होता है वो इनलाइन होता है विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। यूपीएससी, एसएससी और बैंक के जो प्राइजेस हैं वो हाइक होने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप उसका प्लान ले सकते हैं अभी, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और कम प्राइस पे आपको प्लान अवेल हो जाए। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, चाहे एसएससी का लीजिए, चाहे रेलवेज का लीजिए, चाहे यूपीएससी का लीजिए, किसी का भी लेते हैं आप, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर ही सब कुछ मिलता है। यानी कि कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स, पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अनअकैडमी सब कुछ देता है आपको। तो आप उसका 1 साल का 2 साल का प्लान अवेल कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून अमृता, ठीक है। तो देयर इज अ सिंपल प्रोसीजर टू रजिस्टर ओवर एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। एक तरीका है बहुत सिंपल सा, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर से उसको, अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट हैं तो एसएससी एग्जाम को ऐड कर सकते हैं मैनेज गोल्स ऑप्शन में जाके, और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारे प्लान्स आपके सामने यहाँ सामने होंगे। तो 1 महीने से लेके 24 महीने तक के प्लान्स होते हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। तो जैसे इसके एक बार सब्सक्राइब करने से पहले आप इसकी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो किस तरह से आपको अपनी नॉलेज जो है आपसे शेयर कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 12 महीने का प्लान देखिए जैसे 6,000 रुपये है और 24 महीने का 7,200 रुपये, इन सब पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। कोड इस्तेमाल करेंगे पेमेंट करने से पहले RP100, ठीक है, RP100 कोड इस्तेमाल करेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट, ओके। गुड आफ्टरनून SK, वेलकम। ये तो वाईफाई चैलेंजर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, बताता रहता हूँ रोज। CGL CHSL के जो एस्पायरेंट्स हैं 2020 के, उनके लिए 2 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। कम समय में फाउंडेशन बैच रखा गया है और सारा का सारा सिलेबस आपका जो है वो कवर अप हो, ठीक है। फीचर्स हैं बैच के, हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं नमन सर, दीपक सर, गगनदीप सर और हर्षवर्धन सर, ये आपकी क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे आपको, उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस चलेंगे हर चैप्टर के, हर पर्टिकुलर एक टॉपिक जो होगा उसका डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होगा, ठीक है। और आपकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं इसके अंदर, इसी वाईफाई चैलेंजर्स बैच के अंदर, और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। और ये सब वही प्लान है, इसमें आपको कोड इस्तेमाल करना होता है RP100 टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी, ठीक है। आइए, और वाईफाई चैलेंजर्स बैच का जो एक डिस्काउंट है वो देख बता देता हूँ। 6 महीने का प्लान लेते हैं तो 33% का, नॉट जस्ट 10%, कोड वही रहेगा RP100, ठीक है। 12 महीने का लेते हैं तो 58% का उसमें डिस्काउंट मिल रहा है। SSC CGL CHSL के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 2 साल का लेंगे तो 75% का। एनरोल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप इसकी जानकारी ले सकते हो, एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स की एक 9 नवंबर से स्टार्ट हुई है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज बनाई है अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पर, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 15 टेस्ट देने को मिलेंगे, शुरू के 5 टेस्ट फर्स्ट फेज में होंगे जो 9 से 15 नवंबर के बीच होंगे, 16 से 22 नवंबर के बीच 5 टेस्ट और 23 से 29 के बीच में 5 टेस्ट। 15 टेस्ट जो है आप देंगे, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको एग्जाम के जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसका जो एक्चुअल इंटरफेस है उस पर टेस्ट देने में, ठीक है। केमिस्ट्री की स्पेशल क्विज स्टार्ट कर रहे हैं आज की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। गन पाउडर जो होता है बारूद किसके मिश्रण से निर्मित होता है? बारूद क्रैकर्स जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ना, और बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका मिक्सचर होता है? सैंड और TNT का,
टीएनटी और चारकोल का, नाइट्राइट, सल्फर एंड चारकोल का, या सल्फर सैल्ड सैंड एंड चारकोल का, बताइए। हाँ बी आंसर दे रहे हो, बताइए इसका क्या क्या और आंसर हो सकता है, अपना अपना जो आपको लगता है सही, जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, डी डी बी दे रहे हो, टीएनटी और चारकोल। देखो टीएनटी नहीं होता, ठीक है ध्यान रखिएगा, चारकोल होता है तो टीएनटी नहीं आएगा, ठीक है, और सल्फर होता है, सैंड नहीं होता है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, नाइट्राइट, जो नाइट्राइट है वो पोटेशियम का नाइट्राइट है, नाइटर लिखा है यहाँ पे, नाइट्राइट कर लिएगा, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है ये है, एक ये होता है, सल्फर होता है और चारकोल होता है, ठीक है, सब इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में, गन पाउडर को बनाने में, ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए, एलम, एलम जो होता है फिटकरी है ना, का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। एल्यूमिनियम सल्फेट कंपाउंड से बनता है एलम, एनल्जेसिक यानी पेन रिलीफ जो करता है बॉडी का, पेन रिलीवर जो होता है वो एनल्जेसिक होता है, उसकी तरह उर्वरक, एक फर्टिलाइजर की तरह, एक कीट कीटाणु नाशक की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह, या पानी के लिए, एक शोधक के लिए, शोधक की तरह। हाँ जी हाँ, टीएनटी नहीं होता है, ठीक है बताओ इसका आंसर फटाफट से। हाँ ठीक है, इसका आंसर आप दे रहे हो सी, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, आफ्टर सेव, देखो तो हाँ आफ्टर शेव जो होता है, शेविंग करने के बाद फिटकरी लगाई जाती है, जिससे कि वो क्या कर सके, कोएगुलेशन कर सके, कोएगुलेशन, खून को बंद करके अंदर उसका प्रवाह हो सके, स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड, उसके बाद क्लॉटिंग करने के बाद उसका फ्लो हो सके प्रॉपर, है ना, तो उसे कोएगुलेशन करता है कौन, फिटकरी। तो ये बोल रहा है ये किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, अगर फिटकरी को आप पानी में मिलाओगे, फिटकरी को अगर आप पानी में मिलाओगे तो क्या होता है, फिटकरी उस पानी के अंदर घुलने के बाद नीचे जाके एक लेयर बना लेता है बॉटम में, है ना, यहाँ पे क्या है आपकी एलम होती है ना, यहाँ पे हाँ ठीक है, एलम होती है, एलम क्या करती है, जब पानी के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल जो होता है बाहर का, उसको नीचे ले जाके एक लेयर क्रिएट कर देता है, चिपक जाता है नीचे जाके, ठीक है, और बाकी का जो H2 होता है ना, बिल्कुल प्योर H2 ऊपर की जो ऊपर का सरफेस होता है वहां और इस एरिया के बीच में बचता है, यहाँ प्योर वाटर बचता है, तो एक तरह से किसका काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ प्योरीफायर फॉर वाटर, कैसे वर्क कर रहा है, प्योरीफायर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, तो अपनी लेयर बना के नीचे बॉटम में जाके चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्योरीफायर की तरह वर्क कर रहा है, आंसर होगा सेकंड का डी, ठीक है ना, और कोएगुलेशन करता है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, सी वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ, समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, समुद्री जल को, ठीक है, समुद्र से सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करना है वो प्रोसेस अलग होती है, समुद्र से लवण कैसे निकालना है वो प्रोसेस अलग होती है, समुद्री जल को ही आपको प्योर कैसे करना है वो प्रोसेस अलग होती है। हाँ क्या आंसर दे रहे हो इसका, सी वाटर है, इसमें सॉल्ट होता है, H2O+ सॉल्ट, ठीक है, अगर इसको आप हीट करते हो पानी को तो इसका होगा एवेपोरेशन, वाष्पीकरण, है ना, तो ये पानी जो है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, स्टीम, भाप बन जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, है ना, सॉल्ट यहाँ रह जाएगा, पानी भाप ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता है ना, अब ये एवेपोरेट हुआ है, आपको क्या करना है, सी वाटर को प्योरीफाई करना है, अब ये जो स्टीम है ये प्योर है, प्योर फॉर्म में है, प्योर गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं स्टीम को, ठीक है ना, अब स्टीम को क्या करोगे आप, एवेपोरेशन पहला स्टेप हो गया, ठीक है, सेकेंड स्टेप होगा आपका कंडेंसेशन, इसको स्टीम को कलेक्ट करके एक जगह आप लिक्विफाई कर दोगे, लिक्विफिकेशन बोल सकते हो, लिक्विफिकेशन, ठीक
है ना, लिक्विफाई करोगे तो आपको वाटर दोबारा से मिल जाएगा। और कैसी स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ये H2O जो है ये गैशियस स्टेट में है लेकिन प्योर है। तो इसी गैशियस स्टेट वाली H2O को आप H2O लिक्विड स्टेट में कर दो और ये प्योर वाटर मिल जाएगा आपको। तो दो प्रोसेस लगी इसमें, पहली एवेपोरेशन और फिर कंडेंसेशन। ये किसके थ्रू हो सकता है प्रोसेस? एवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन को बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? आसवन, ठीक है ना। इसमें एक बार पानी को एवेपोरेट किया जाता है जिससे कि पानी अलग हो जाए, स्टीम बन जाए, फिर स्टीम को कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। डिस्टिल हो जाता है वहां पे जो पानी होता है, उसके बाद उसका कंडेंसेशन कर देते हैं, लिक्विफिकेशन कर देते हैं जिससे कि पानी अलग से मिल जाए, सॉल्ट अलग रह जाए। अगर कोई आपसे पूछता है, कि जो क्या बोलते हैं सॉल्ट ऑप्टेन कैसे करा जाए समुद्री जल से, तो प्रोसेस क्या होगी? सिर्फ एवेपोरेशन, पानी भाप बन जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, तब आंसर होगा एवेपोरेशन। अभी आंसर क्या होगा? डिस्टिलेशन। ठीक है ना, करेक्ट है ना। फोर्थ पे आ जाओ। हाँ, डिटर्जेंट्स जो होते हैं क्लीन करते हैं सरफेसेस को ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डिटर्जेंट्स बहुत जल्दी क्लीनिंग शो करते हैं, फटाफट से डर्ट रिमूव कर देते हैं, है ना। वो किस सिद्धांत पे वर्क करते हैं? चिपचिपाहट पे, विस्कोसिटी पे, ये तो ऑयल वगैरह की चीजें हो गई, है ना। सरफेस टेंशन, है ना, कॉन्ट्रेक्शन होता है जो पानी की मॉलिक्यूल्स का, सिकुड़न जो होती है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू अ मिनिमम पॉसिबल एरिया, ये होती है पृष्ठ तनाव। तीसरा हो गया लचीलापन, ये आप जानते हो, इलास्टिसिटी और फ्लोटेशन प्लवन। हाँ जी, क्या आंसर दे रहे हो? सागर बोल रहे हैं ए, फिर बोल रहे हैं बी, सरफेस टेंशन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है सिकुड़ना पानी के मॉलिक्यूल्स का, कम से कम क्षेत्रफल में, कम से कम क्षेत्रफल में सिकुड़ना। तो इस तरह से जो पानी था वो इस तरह से हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है ना। इसी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से जो लोहे की सुई होती है पानी पर तैर जाती है, जबकि तो लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डर्ट होती है पार्टिकल के अंदर, है ना, जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जैसे जो क्लस्टर फॉर्म करते हैं ये सोप और डिटर्जेंट्स, वो इजिली जो होती है जो दाग होता है उस पर जाके अटैक करते हैं इस सिकुड़न की वजह से, और उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका? बी, सरफेस टेंशन, ठीक है। फ्लोटेशन अलग चीज होती है, वो आप प्लवन होता है, ठीक है ना। आर्किमिडीज ने दिया था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, प्लवन का नियम, ठीक है। इलास्टिसिटी का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है यहाँ पे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। हाँ जी, ये बताओ, इथेनॉल ऐसा, वह इथेनॉल जिसमें 5% वाटर है वो कैसा इथेनॉल कहलाएगा? जिसमें 5% पानी है, यानी 95% क्या है उसके अंदर? एल्कोहल है, और 5% क्या है? वाटर है। यही कहने का मतलब है इसका, है ना। तो ये बहुत सॉलिड एल्कोहल हो गया, है ना, बहुत सॉलिड एल्कोहल हो गया। एक डीनेचर्ड स्पिरिट होता है ना, इसमें पानी थोड़ा ज्यादा मिला देते हैं जिससे कि एल्कोहल का कंजम्पशन लोग कम से कम कर सके, है ना। एक मिथाइलेटेड एल्कोहल होता है, एल्कोहल के अंदर पॉइजन होता है, ठीक है ना। एक पावर एल्कोहल होता है, ठीक है। पावर एल्कोहल में भी 20:80 का रेशियो होता है एल्कोहल और किसका? वाटर का, ठीक है ना। एक रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है इसमें क्या होता है आपका? एल्कोहल बहुत ज्यादा होता है और करीबन 5 से 4 से 5 से 6% के बीच में पानी होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेक्टिफाइड स्पिरिट हो जाएगा। डीनेचर्ड स्पिरिट में पानी 5% नहीं होता, पानी ज्यादा परसेंटेज में होता है, ठीक है ना। 30 से 40% पानी होता है डीनेचर्ड में, है ना, जिससे उसका एल्कोहल का जो असली इफेक्ट है वो कम करा जा सके। आंसर होगा रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। 95% एल्कोहल, 4 से 6% पानी, तो 5% के समथिंग पानी हो गया, आंसर हो जाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी परिशोधित स्पिरिट, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। अमोनल कैसे कहते हैं? ये किसका मिक्सचर है? कोई दो कंपाउंड्स हैं जिनको मिलके अमोनल बनता है,
हाँ भाई, अमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ, बताओ। हाँ जी, वेलकम सिद्धार्थ। हेलो। अमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम पाउडर एंड अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे आप नाइट्रेट की जगह नाइट्राइट करो। ठीक है, नाइट्रेट तो होता ही नहीं है, दोनों में ए में डी में नाइट्राइट करो। नाइट्राइट क्या होता है? NO3 1- पॉलीएटॉमिक आयन होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है अमोनल। एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। ठीक है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्राइट। एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट होता है NH4। अमोनियम सल्फेट ही हो गया। पोटेशियम नाइट्राइट होता है KNO3। बताइए। पढ़ाए क्वेश्चन पहले कभी? क्वेश्चन पढ़ाए पहले? अमोनल। ठीक है, आंसर होगा ए, सीधा बता देता हूँ आपको, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बता देता हूँ, आंसर होगा ए, यानी अमोनियम नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर होता है अमोनल। हाँ जी, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एल्यूमिनियम पाउडर में जब अमोनियम नाइट्राइट मिला देते हैं तो आपका अमोनल बनता है, याद रखना है बस आपको ये। ठीक है, चलो सिक्स का ए हो गया, सेवन्थ पर जाओ। विच गैस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एटमोस्फियर? इनमें से कौन सी गैस एटमोस्फियर का किसी भाग का निर्माण नहीं करती? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर करिए। विच गैस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एटमोस्फियर? सी, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हो सकता है इसका आंसर। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का पार्ट होती है, पता है आपको, होती है 78% समथिंग। हीलियम होती है। ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है सब बातों से। ठीक है, पढ़ना है, पढ़ो, आंसर दो क्वेश्चंस के, आंसर दो, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, बेकार ही बात करने से फायदा नहीं है। क्लोरीन आंसर हो गया इसका। विच गैस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एटमोस्फियर? क्लोरीन हो गया इसका आंसर, करेक्ट। ये एटमोस्फियर का पार्ट नहीं होती, किसी भाग का निर्माण नहीं करती। भाग कौन कौन से होते हैं? पांच होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, याद रखना, टेक, सम, मिल्क, देन एग। पहले कुछ दूध पियो, फिर कुछ अंडे खाओ, यानी ट्रोपोस्फियर। ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है ना, इनमें से किसी भाग के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होती? क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आओ एट्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस विल हैव सेम, ठीक है, दो आइसोटोनिक समाधान समान होंगे, उनका क्या सेम होता है? दो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ए, एक सॉल्यूशन है बी, तो अगर ये आइसोटोनिक है, आइसो का मतलब सेम, टोन का मतलब क्या होता है, यही यही पता करना है आपको, तो इनका क्या सेम होगा? वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर। हाँ बताओ भैया। वेपर का प्रेशर, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक दबाव? आइसोटोनिक का मतलब अगर आप जानते हो तो इसका आंसर एक बार में दे दोगे। ठीक है, नहीं, इसका आंसर ए नहीं है, गलत है।
प्रेशर सेम नहीं होते, ये प्रेशर की बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते सेम, फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम नहीं होते, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हो ना, हाई कंसेंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन, वो जो मूवमेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन से, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, वो प्रेशर जो होता है इनका, वो वाला मूवमेंट कराने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स का, हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन में वो प्रेशर, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। वो दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वही होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इसीलिए उनको बोलते हैं आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। ठीक है, अब देखो 9th पे आ जाओ। पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका आंसर कौन देगा? पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन्स अमाउंट्स ऑफ, इसका आंसर कौन देगा? पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम संतुलन की स्थिति मात्रा की व्याख्या करती है। हाँ, अमाउंट्स ऑफ, इजी क्वेश्चन है, देख के करो आंसर। अगर कोई दो रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं, ए प्लस बी ये देते हैं सी प्लस डी प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, मान लो प्रोडक्ट निकले सी प्लस डी, तो ये क्या एक्सप्लेन करते हैं? अमाउंट ऑफ, डी आंसर दे रहे हो, बोथ ए एंड बी प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट दोनों को करते हैं, कैटलिस्ट को नहीं करते, कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट क्या काम करता है? डिक्रीज और इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों को, है ना, बाकी इसका इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है, रेट को बस डिक्रीज और इंक्रीज करता है। तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी, यानी कि ये वाला आंसर हो गया, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ ओके, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th पे आओ। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? यानी वो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की जो बॉन्डिंग होती है, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ऐसे फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स कितने आपस में एटम्स से जुड़ के एक कंप्लीट कंपाउंड बनाते हैं फॉस्फोरस का, तो क्या बोला जाता है? हाँ बताइए, आंसर बताइए। सिद्धार्थ कह रहे हैं डी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। हाँ ठीक है, सही। हाँ भाई, डी बोल रहे हैं, पी फोर, क्या सही है? पी फोर बताइए, और लोग बताइए क्या आंसर हो सकता है फॉस्फोरस का जो कंपाउंड बनता है इसका जो। एक सेकंड रुकिए, ठीक है, नहीं अभी अभी सही है, शोर आ रहा था, शोर, शोर करने वालों को मैंने कहा शोर मत करो, मेरी क्लास नहीं चल पाएगी। पी फोर इज द राइट आंसर, जितने लोगों ने डी आंसर दिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, पी फोर। ठीक है, ये इस तरह से कंपाउंड फॉर्म करता है, आपस में लिंकेजेस बना के पी के चार जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मिलके पी फोर बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, इसका आंसर देना है। ड्यूटेरियम जो होता है उसके न्यूक्लियस में इनमें से क्या फाउंड होता है? न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, दो प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन वाला तो मैं खुद ही हटा देता हूँ, ठीक है ना, अब आप इसका आंसर कर दो। एस के बोल रहे हैं एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम है ना,
ड्यूटेरियम होता है, इसका मास होता है 2, एटॉमिक नंबर 1 ड्यूटेरियम, सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H2। ठीक है, इसका एटॉमिक मास है ये, या इसको बोल सकते हो आप मास नंबर, या बोल सकते हो एटॉमिक मास। ठीक है, ये इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये कितने हैं 1, यहां रखोगे 1, मास नंबर कितना है 2, प्लस न्यूट्रॉन्स निकाल लो, प्रोटॉन्स कितने हो गए 1, तो ये प्रोटॉन 1 दिख रहा है यहां पे, न्यूट्रॉन्स निकाल लो आप फटाफट से, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 न्यूट्रॉन हो गया, आंसर हो गया ए, 11वें का आंसर हो गया ए, करेक्ट है, करेक्ट है, सबका करेक्ट है। ठीक है, ए आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। ठीक है, आओ 12th पे जाओ, आंसर दो। पर्ल, पर्ल जानते हो ना, मोती। पर्ल इज मेड मेनली मेड अप ऑफ विच अमंग दी फॉलोइंग, मोती मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे बना होता है, प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट। हाँ, मोती किससे बना होता है, बी आंसर दे रहे हो, बी आंसर दे रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन। ठीक है, इसी से बना होता है, बिल्कुल सही दे रहे हो। ठीक है ना, क्या आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती। ठीक है, बिल्कुल सही, मोती किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और लोग भी आंसर दो, जिनको आता है आंसर दो, कोई बात नहीं, सही हो चाहे गलत हो। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है ये बताना है आपको। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट कैथोड, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है एनोड पे, ये बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, उल्टा बोल रहा है, रिडक्शन होती है कैथोड पे, सेकंड ऑप्शन उल्टा बोला है इसने। बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, कैथोड पे दोनों होती है और एनोड पे दोनों होती है, ऐसा बोल रहा है। क्या आंसर हो सकता है इसका, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोलिसिस डायोड, कैथोड प्लेट होती है, एक एनोड होती है। क्या आंसर हो सकता है इसका, कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और मेटल यानी पॉजिटिव मेटल इस पे आके अट्रैक्ट होता है, डिपॉजिट होता है ना, ये कैथोड है, कैटाइन इस पे आके डिपॉजिट होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ऑन एनोड, और जो नॉन मेटल होते हैं इस पे आके यहां से होके फ्लो करते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ना, नेगेटिवली चार्ज जो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना वहां कौन सी प्रोसेस होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, नॉन गेन करते हैं। ठीक है ना, आपको पता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहां पे, एनोड पे, आंसर हो जाएगा ए। ए आंसर कितने लोगों ने दिया है, हाँ लॉजिक बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए मैंने धीरे धीरे बताया है। ठीक है, आंसर है इसका ए, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वहां मेटल डिपॉजिट होते हैं, और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ठीक है ना, ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, आगे लूं फटाफट से, हाँ जी, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कैथोड पे, रिडक्शन एनोड पे। 14th पे आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन पहला कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व था, हाँ आर्टिफिशियल तरीके से उसको
प्रोड्यूस किया गया ऐसा कौन सा तत्व था? नेपच्यूनियम, यूनानबियम, ठीक है ना, और टेक्नेटियम, और इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कौन सा पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट था, ये बताना है। तो नेपच्यूनियम, यूनानबियम, टेक्नेटियम और नन ऑफ द अबव, क्या आंसर हो सकता है इसका? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, नेचुरल नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, टेक्नेटियम। ध्यान रखना, कुछ लोग टेक्नेशियम भी बोलते हैं, तो टेक्नेशियम साउंड्स लाइक टेक्नीशियन, रेलवेज में जो होते हैं। इट्स लाइक मैं ऐसे बोल रहा हूँ टेक्नेटियम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी बोल लो, याद रखना आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट पहला कौन सा था? टेक्नेटियम था, ठीक है। हाँ, हेलो देयर, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, स्टेटस था व्हाट्सएप पे बहुत पहले का, ऑलरेडी इनबिल्ट स्टेटस ऑफ व्हाट्सएप। हेलो देयर, वेलकम रवि, वेलकम राकेश, आओ, दे रहा है दुरुस्त है, आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, एलएसडी होता है, एक ड्रग होता है, ठीक है, यूज्ड एज अ, एलएसडी का किस दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। एलएसडी का किस दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाता है ऐसा? बहुत खतरनाक चीज हो जाती है कुछ, ठीक है। स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्टेरॉइड समझते हो ना, बॉडी में एकदम फुर्ती आ जाती है, मतलब नकली एकदम सब कुछ होता है और आदमी थकता नहीं है, ठीक है ना, सेडेटिव हो जाता है ना, सोचता रहता है बैठे बैठे, ठीक है ना। एनाल्जेसिक के रूप में, पेन रिलीवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या हेलुसिनोजन, हेलुसिनेशन होता है जिनको, हेलुसिनेशंस जिन ऐसे लोग जिनको जो बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह के अडिक्ट होते हैं, या फिर जिनको जरा सा भी कोई रस्सी पड़ी हो तो सांप लगता है ना, बैठे हुए हैं तो सोच रहे हैं, किसी ने परछाई देख ली तो एकदम से डर गए और कूद गए चढ़ गए, जैसे ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ही होती हैं जो बहुत हाई डोज ड्रग्स वगैरह एडिक्शन में आ जाते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी थोड़ा सा वैसा ही है, वो ड्रग्स वगैरह लेने के चक्कर में आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा बहुत भ्रांति होती है उसको, हर चीज में वहम होता है, शक होता है ना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? स्टेरॉइड नहीं होगा इसका आंसर, होगा डी, ठीक है, हेलुसिनोजन होगा, ये ड्रग होता है जो हेलुसिनेशंस जिनको आते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो ऐसे टोटल में हमेशा शक में रहते हैं, वहम में रहते हैं, उसको बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है ना, उसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है एलएसडी, ठीक है, ठीक है। नहीं, स्टेरॉइड नहीं होगा आंसर, होगा डी, स्टेरॉइड में और एलुसिनोजन जो ड्रग है उसमें बहुत फर्क है ना, वो उसके जो मिसकंसेप्शन है ना, भ्रांतियां जो है उनको खत्म करने के लिए, उस नेगेटिव डिप्रेस्ड फीलिंग को खत्म करने के लिए जाता है एलुसिनोजन। स्टेरॉइड जो होता है वो बॉडी को मतलब बॉडी को एनर्जेटिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बॉडी एनर्जी, बॉडी जल्दी गेन करे, ज्यादा से ज्यादा लॉट ऑफ एक्सरसाइज कर सके, इस तरह से लिया जाता है स्टेरॉइड, ठीक है। हाँ चलो, हाँ 16th पे जो ना, पार्टिकल एंड एन एंटी पार्टिकल कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दे, जब कोई पार्टिकल ए है, उसका एंटी पार्टिकल है बी, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? हाँ, ये एक दूसरे को पीछे हटाना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को सर्वनाश कर देते हैं, ठीक है, बेसुध हो जाना, गो अनडिस्टर्ब, ये कॉमन एक्सिस पे स्पिन करते हैं, एक सामान्य अक्ष के बारे में स्पिन करें, यानी कॉमन एक्सिस पे घूमते हैं। हाँ, एनिलेट वाला बता रहे हो, रिपेल वाला भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, गो अनडिस्टर्ब, डी तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। एंटी पार्टिकल जो होता है, और जो पार्टिकल होता है, जो एंटी पार्टिकल होता है, दोनों के मास सेम होते हैं पर चार्जेस अपोजिट होते हैं,
याद रखना, ठीक है? चार्जेस अलग, आंसर होगा अट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जब वो उसका एंटी पार्टिकल है तो वो स्थिर नहीं रह सकता, अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसका मतलब एक दूसरे को सर्वनाश कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को, ठीक है ना? इसे बोलते हैं पार्टिकल जो अपने एंटी पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आता है, एनिलेट हो जाता है, ठीक है ना? एक दूसरे का सर्वनाश कर देंगे, ध्यान रखना है, ठीक है? आओ 17 क्वेश्चन पे आओ। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? द ग्रीन कलर सीन इन द फायरवर्क्स इज ड्यू टू, बताओ। जो हरा रंग दिखता है पटाखों के अंदर, हरा रंग जो होता है वो किसका होता है? सोडियम भी होता है पटाखों में, बेरियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है, स्ट्रॉन्शियम भी होता है, ठीक है? सोडियम की वजह से कौन सा रंग होता है, बेरियम से कौन सा, क्रोमियम से कौन सा, स्ट्रॉन्शियम से कौन सा, ये आपको बताना है। हाँ, सोडियम येल्लो बता रहे हो, सही बता रहे हो। और बताओ, इसमें ग्रीन पूछा है ना, ग्रीन का आंसर क्या होगा? और बताओ स्ट्रॉन्शियम रेड, ये भी बहुत अच्छे बता रहे हो, लो बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्शियम जो लाल रंग होता है वो स्ट्रॉन्शियम की वजह से होता है पटाखों के अंदर, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन आया था। हाँ तो क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो ये जो बनाते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ी नहीं कुछ भी उठा के बनाना चालू कर दिया, ये सब आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, इन पे ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है? बेरियम आपका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर जो पटाखों में दिखता है वो बेरियम की वजह से होता है, और क्रोमियम से क्रोमियम से व्हाइट, नहीं सोचो, हाँ बताओ भैया। हाँ क्या हो गया? अटक रहा है क्या? बफरिंग हो रही है? बफरिंग नहीं हो रही, बफरिंग नहीं हो रही। हाँ ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ वाइट जो बता रहे हो, वाइट ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वाइट होना चाहिए इससे, ठीक है ना, इस तरह का कलर, ठीक है? चलो आंसर क्या हो गया? बेरियम जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है ना? चलो 18th पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? जल्दी से इसका आंसर दे दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मेटल वायर में होता है, प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा माना जाता है कन्वेंशनली, है ना? जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? ये करंट होता है। 19वें पे आ जाओ। 19 क्या कहता है? द एटमोस्फियर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय, एटमोस्फियर के अंदर जो यूवी रेज होती हैं वो एब्जॉर्ब होती है किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम, O2, N2, O3, HE। अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय ओजोन, ठीक
ठीक है ना, ओजोन लेयर, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसका परसेंटेज जो होता है वो ट्रोपोस्फियर में होता है, बाकी स्ट्रेटोस्फियर में होती है, 10% समथिंग। 20th पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल्स इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा पॉलीमेरिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? नायलॉन, रेयॉन, केवलर और डेक्रोन। हाँ जी, केवलर। ठीक है, केवलर आंसर दे रहे हो। ये बता रहे हैं केवलर। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? केवलर होगा। क्या आंसर होगा? केवलर होगा। ये कमर्शियल नेम होता है केवलर। किसका, किसके लिए कमर्शियल नेम होता है? फाइबर्स होते हैं, इसको बोला जाता है एरामिड फाइबर्स। याद रखना, कैसे फाइबर्स? एरामिड फाइबर्स का कमर्शियल नेम होता है केवलर। ठीक है ना, एरामिड फाइबर्स का याद रखना है, और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम आता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे आओ, 21st पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसोफर्स रूल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कर दो इसको फटाफट से। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। बता दो फटाफट से इसका आंसर। फिलोसोफर्स रूल किसे बोला जाता है? फिलोसोफर्स रूल करा चुका हूं मैं दो तीन, दो चार पांच बार इस क्वेश्चन को। पी कंफर्म होना चाहिए आंसर। सी आंसर बता रहे हो, जिंक ऑक्साइड, ZnO। और बताओ फटाफट से इसका आंसर। नेक्स्ट पे आ जाता हूँ फिर। जिंक ब्रोमाइड नहीं होगा, नाइट्रेट, क्लोराइड ये सब नहीं होंगे। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड। आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। कई बार कराया क्वेश्चन, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? फिलोसोफर्स रूल बोला जाता है। ठीक है, चलो 22nd पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश जो रिमूव करने का काम आता है, उसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? रिमूवर के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से नेल पॉलिश रिमूव हो जाती है? एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम ईथर, एसिटिक एसिड। ये बता दो फटाफट से। हाँ, ये आपको याद है ना, एसीटोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं, नकली नखून भी लगाए जाते हैं, जो लगाते हैं, जो थिएटर थिएटर करते हैं लोग, या फिर जो पिक्चर मूवीज में आते हैं, वो भी एसीटोन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एसीटोन के। ठीक है, क्या होता है? एसीटोन इसका आंसर हो जाएगा। एसीटोन इसका आंसर हो जाएगा। एक बार
पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया हो गया, करा रहा हूँ करा रहा हूँ। ठीक है, एसीटोन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23rd पे जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? बताया था अच्छे से इसके बारे में। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट कहाँ था? अच्छा, वोटर इंक, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्शन में जो यूज करते हैं क्या? अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट से कहते हैं, Ag(NO3). ठीक है, परसेंटेज होता है इसका कम, 15 से 18% प्रेजेंट होती है पानी के अंदर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? कौन सी गैस इस्तेमाल होती है सिगरेट लाइटर में? सिगरेट का एक लाइटर है, इसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? आइसो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन थोड़ी सी। ठीक है, ब्यूटेन ऊपर रहती है, प्रोपेन नीचे रहती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम परसेंटेज में कौन है? ब्यूटेन है। इसका आंसर कर दोगे आप, ब्यूटेन। ठीक है, गैस यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, जो ज्यादा परसेंटेज में उसका आंसर कर दोगे, ब्यूटेन आंसर करना है इसका, प्रोपेन मत करना। ठीक है, ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन हल्की गैस होती है, प्रोपेन से हल्की गैस होती है, वोलेटाइल ज्यादा होती है। ठीक है ना, फायर कैच करने में आसानी रहती है इसको। ठीक है ना, क्या आंसर होगा? ए, ब्यूटेन। ठीक है, 24th पे आ जाओ। Which one of the following chemical is used in beauty parlors for hair setting? हाँ, इनमें से कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं हेयर्स को सेट करने के लिए ब्यूटी पार्लर्स में? कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? जो हेयर स्पा वगैरह होता है, इसमें जो बाद में जो केमिकल्स लगाए जाते हैं, सीरम वगैरह, इसमें क्या होता है? हाँ, सल्फर बेस्ड बोल रहे हो? सल्फर बेस्ड, हाँ, आयरन बेस्ड होता है, सिलिकॉन बेस्ड होता है, फास्फोरस बेस्ड होता है, सल्फर बेस्ड होता है। अच्छा, सल्फर बेस्ड बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है ना, क्या होता है? सल्फर होता है केमिकल के अंदर, जिससे हेयर की सेटिंग हो सके, है ना, हेयर अपनी प्रॉपर शेप में आ सके। सल्फर क्या होता है? सॉफ्ट सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है सल्फर, और एक नॉन मेटल होता है, इस वजह से ये हेयर की सेटिंग प्रॉपर कर देता है। ठीक है ना, 25th पे आ जाओ। बेस्ड ऑन द पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? आयनीकरण ऊर्जा के लिए आवधिक रुझानों के आधार पर किस तत्व में सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा है? नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हीलियम, बताओ। इसका आंसर देगा जो भी, मजा आएगा। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? किसकी आयनाइजेशन, आयनीकरण ऊर्जा ज्यादा होती है, किस पर डिपेंडेंट होती है आयनाइजेशन एनर्जी? किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? सी आंसर दे रहे हो? एस के, अमृता, सी बोल रहे हो? क्या आंसर देंगे? रवि, क्या देंगे आंसर? अगर आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयंस को बांधे रखने के लिए जो ताकत होती है एक कंपाउंड के अंदर, उसकी उसी के आयंस को बांधे रखने की, टूटने की नहीं, वो डिसोसिएशन होता है टूटना, बांधे रखने की ताकत होती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। हाँ, तो जब लोअर शेल से हायर शेल में ले जाते हो तो क्या होता है आपका? स्टेबिलिटी, स्टेबल करने के लिए एटम को आप फिलिंग कर रहे होते हो, तो उसमें स्टेबिलिटी नाम का वर्ड आता है एक, स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इनमें से, ये बता दो। अगर तुमने ये बता दिया इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपका आंसर मिल गया आपको।
विच इज द मोस्ट स्टेबल, स्थाई सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और हीलियम। हीलियम सबसे ज्यादा स्टेबल है, अक्रिय, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो है हीलियम, इसलिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? हीलियम की होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, हीलियम, ठीक है। हाँ, 18th ग्रुप सही है। 25th, 26th पे आ जाओ, एक दो तीन चार, तीन क्वेश्चन और रह गए आज के। 26th पे आ जाओ फटाफट। Which of the following is not a criterion of best drinking water? इनमें से निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम पेयजल का एक मानदंड UGH है? इसे हटाओ, नहीं है, मानदंड नहीं है। नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है अगर इसके अंदर ऐसा है तो कैसा है वो जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है? कह रहा है दूषित मुक्त, अगर वो कंटामिनेंट फ्री है तो अच्छा नहीं है। आंसर दे रहे उसका डी, अगर उसका अच्छा टेस्ट है। डी को पढ़ो, अच्छा वाटर नहीं है मतलब गंदा वाटर कब होगा? कहने का मतलब ये तो है क्वेश्चन का कि नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। जब बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर का क्राइटेरिया इनमें से कौन सा नहीं है तो वो वही क्राइटेरिया होगा जो गंदे पानी का क्राइटेरिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जब भी नॉट लिखा है तो उससे रिजल्ट क्या निकल रहा है वो सोचो, वो किसके बारे में पूछना चाह रहा है। नॉट बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है बैड ड्रिंकिंग वाटर, बुरा पीने वाला पानी, पेयजल, ठीक है। तो ये तो गुड ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी है, कंटामिनेंट फ्री, गुड है ना, बेस्ट है, मिनरल रिच बेस्ट है, गुड टेस्ट बेस्ट है, गुड है, ये पुअर है ना, बैड है, यही पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा एसिडिक, पानी में एसिड होगा तो फिर दिक्कत होगी ना, है ना। बस 27th पे आ जाओ। Which of the following is true about the process of evaporation? इनमें से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये सीधा सीधा पूछ रहा है, घुमा नहीं रहा। Evaporation के रिलेशन में इनमें से क्या सही है? ये कह रहा है इट डज इवेपोरेशन डिपेंड नहीं करता है ह्यूमिडिटी पे, यानी आर्द्रता अगर बढ़े चाहे घटे इवेपोरेशन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है, पानी गर्म कर रहे हो आप, है ना, पानी गर्म कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो और पानी बन रहा है स्टीम। अब यहाँ पहले से ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी है, तो ये स्टीम जाके कहाँ कलेक्ट होगी? यहाँ पे। तो इवेपोरेशन के बढ़ने से जो नमी होती है वो बढ़ती है कि घटती है, कौन बताएगा? पहले ये बताओ, इवेपोरेशन के बढ़ने से नमी बढ़ती है घटती है? हाँ, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब होता है इवेपोरेशन नहीं करा, अभी आपने हीट नहीं करा है, इसका मतलब नमी बहुत ज्यादा है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा घेर रखा है पूरे सराउंडिंग को, तो इवेपोरेशन की दर जो होगी ना वो कम हो जाएगी, कम लिक्विड जो है भाप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जगह नहीं है एटमॉस्फेयर में, जगह किसने घेर रखी है? पहले से ही भाप, वाटर के जो स्टीम पार्टिकल उन्होंने घेर रखी है, वही तो नमी होती है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन होता है, डिपेंड तो करता है, डिपेंड तो करता है, ठीक है ना। अगर पूरे में 100% आर्द्रता हो जाए, आर्द्रता कितनी हो जाए 100%, ह्यूमिडिटी 100% हो जाए तो इवेपोरेशन 0% होगा, इवेपोरेशन ही नहीं होगा, क्योंकि सब मॉइस्ट नमी वाले पार्टिकल जो हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, स्टीम पार्टिकल्स, उसने घेर रखा है सब कुछ, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो गलत है बोल रहा है, डज नॉट डिपेंड बोला ना इसने, तो ये गलत है, इट डिपेंड्स, ठीक है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है, ये मुझे सही लग रहा है। अगर सरफेस एरिया बाल्टी बड़ी कर देता हूँ, इसमें से पानी इवेपोरेट करता हूँ, तो सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है, ठीक है।
आप इसका आंसर दे रहे हो सी। सी देख लेते हैं, डिक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की चाल बढ़ने से, वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ने से जो एवेपोरेशन होता है वो डिक्रीज होता है। नहीं, एवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ज्यादा चाल बढ़ जाएगी तो इलास्टिसिटी हो जाएगी, इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, है ना। पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे ना जब हवा चलेगी, तो एवेपोरेशन आराम से होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये वाला आंसर हो गया गलत। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा तो होता ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो इनवर्स का रिलेशन बता रहा है ये, इनवर्स का रिलेशन बता रहा है एवेपोरेशन से, जो कि गलत है। डायरेक्ट रिलेशन है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी सा क्वेश्चन आंसर दे दो इसका आज का। 28th, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्पाद है, किसका प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, किसका प्रोडक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। पता है ना सबको प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी क्या होती है, पीओपी, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी हाइड्रेट। ये नए हाइड्रेट्स फॉर्म करती है वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके, डेढ़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्ट करता है तो Ca(SO4.2H2O) बनता है, जिसको अपन बोलते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है ना। तो ये पीओपी होती है। कौन सा इसके अंदर एलिमेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है भाई, तो आज के क्वेश्चंस दोपहर के खत्म, और 28 क्वेश्चंस अलग 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 लिए थे। कुछ तीन चार सवाल इसमें इजी थे, बाकी सब नॉर्मल लेवल के सवाल थे। ठीक है ना, कुछ कठिन थे। इन क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, और नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस याद रखिएगा। ऐसे याद करते चले जाओगे तो इट्स लाइक करंट अफेयर्स गो ऑन एंड गो एंड गो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, दिमाग के अंदर 1000 2000 फिट हो जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो देखते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसे करने से होता है। बाबा रामदेव क्या कहते हैं, प्राणायाम करने से होता है स्टेमिना इंक्रीज बॉडी के अंदर का। जिम जाने से तो बॉडी बन जाएगी, लेकिन अंदर की बॉडी कौन बनाएगा, प्राणायाम बनाएगा। ठीक है। शाम को क्लास होगी 6:30 बजे, शाम को क्लास होगी 6:30 बजे होगी। कल नहीं हो पाई थी, कल एक्चुअली कल फाइनल था मैच उसका, तो जो लोग हैं उन्होंने प्रोग्राम रखा, आवाजें हो रही थी तो इसलिए मैंने क्लास नहीं ली थी। ठीक है ना, स्क्रीन लगा के देख रहे थे लोग, तो इसलिए मैंने क्लास कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्या है, अभी चलते हैं, और क्लास को सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। वो तो मैं डेली आपसे एक बार ही बोलता हूँ बस, लास्ट टाइम में, कि लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और शाम को 6:30 बजे क्लास होगी फिजिक्स की। ठीक है। अरे थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास एंड गिविंग सच अ गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपन, हमको 6:30 बजे। थैंक यू।